हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं एक साल से लेकर दो साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई गई है फ्रेंड्स ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं छोटे बच्चों के लिए ये कैप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है अगर आप भी ये कैप बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली ऊन ली है और नौ नंबर की इसमें मैंने सिलाई यूज की है अब यहाँ पर देखिए इसमें मैंने ये एक लंबी सी पट्टी बनाई हुई है इस पट्टी में यहाँ पर मैंने 25 फंदे डाले हुए हैं और फंदे हल्के से लूज हाथ से डाल लीजिए और नॉर्मल ही फंदे डाल लीजिए फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने ये 10 इंच लंबी पट्टी बना ली है अगर मैं आपको ये सिलाइयाँ गिन के बताऊँ तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अट्ठानवे सिलाइया कंप्लीट की हैं अठानवे यानी 98। एट अट्ठानवे सिलाइयों में ये देखिए दो सिलाइयों में एक लाइन बनती है तो अट्ठानवे सिलाइयों में यहाँ से यहाँ तक हमारी उनचास यानी 49 लाइनें बन चुकी हैं मैं आपको इंची टेप से भी इसे नाप कर बता देती हूँ जैसे आपको सही लगे या तो आप सलाइयाँ गिन लीजिए या आप इसे इंची टेप से नाप लीजिएगा ये देखिएगा ये मैंने पूरी दस इंच की इसकी पट्टी बनाई हुई है अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है फंदे डालने वाली जो लाइन होती है इससे पता चलता है कि ये पट्टी इस साइड से सीधी है तो अब ये जो हमारे 25 फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे और हल्के से लूज हाथ से कीजिएगा दो फंदे का एक करेंगे इस फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर दो का एक कर देंगे फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में दो का एक कर देंगे इस तरह से करते हुए ये 25 फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ कर देंगे तो ये देखिए मैंने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं ये एक फंदा हो गया क्योंकि चौबीस फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं एक हमारा ये बच गया इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे अब देखिए ये पट्टी की सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है अब जितनी हमारी ये लाइनें हैं फोर्टी नाइन हमारी लाइनें थी तो अब हम इसमें जो फंदे करेंगे वो 25 बनाएंगे क्योंकि एक फंदा तो देखिए हमारा ये बच गया है जिस पे हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं और बाकी इससे नीचे हमारी 49 नाइन लाइने हैं तो अब देखिए एक एक लाइन में से हम इस तरीके से फंदा उठाएंगे ऊपर वाली साइड से ही जब आप इसमें सिलाई डालेंगे तो आसानी से ऐसे करके एक एक फंदा आपका इसमें आता चला जाएगा जितनी लाइनें हैं देखिए ऐसे करते जाइए और एक लाइन में से एक फंदा उठा लीजिए तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैं इसके यहाँ तक फंदे उठाऊंगी तो फोर्टी नाइन हो जाएंगे एक हमारा ये वाला है तो इसको मिला के फिफ्टी यानी पचास फंदे होंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये वाला फंदा भी मैंने डाल लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे फंदे इस सिलाई पर आ गए हैं तो अब ये जो पचास फंदे हैं एक सिलाई ये हमारी सीधी साइड से बनेगी इसको हम देखिए इसमें से जो हमारे पचास फंदे हैं इसके एक सिलाई सीधी साइड से उल्टी बुनेंगे और एक हम इसकी उल्टी साइड से यानी दो सिलाइया उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर देंगे तो दो सिलाइयों में इसकी ये एक लाइन आएगी तो आप भी इसी तरह से ये एक सिलाई सीधी साइड की और एक सिलाई उल्टी साइड की ये दोनों सिलाइया उल्टी बनाकर कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ये दो सलाइयाँ बना ली हैं जिसमें हमारी ये एक लाइन आ गई है अब क्या करेंगे ये जो हमारे पास पचास फंदे हैं पचास में से तेईस फंदे हम इस तरह से उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस तो इस तरह से तेईस फंदे उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे देखिए एक और ये दो इन दो फंदे को इस तरह से हल्का सा लूज करेंगे आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे तो यहाँ दो का एक करने से फंदा हमने घटाया है फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे अब देखिए धागे को अपनी तरफ लाएंगे और आगे हमारे तेईस फंदे बच गए हैं इनको उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे फिर उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी ही बनेगी तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने उल्टा बुन दिया है अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर देखिए ये वाले जो दो फंदे सीधे हैं इसके इधर ये तेईस फंदे उल्टे हैं तेईस में से अब हम बाईस फंदे बना लेंगे तो आप भी बाईस फंदे इसमें से इस तरह से उल्टे बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बाईस फंदे यहाँ उल्टे बना लिए अब देखिए तेईसवा फंदा हमारा ये वाला है ये इधर से सीधा है तो धागे को पीछे करेंगे दोनों फंदे को हल्का सा लूज करेंगे आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब ये वाला जो सीधा है इसको हम ऐसे पलट देंगे ये सीधा और ये उल्टा बैक साइड से दो फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे तो देखिए दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा फिर से कम हो गया है धागा अपनी तरफ करेंगे और अब ये आगे हमारे बाईस फंदे हैं इनको भी उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे उल्टी साइड की सारी सिलाईया उल्टी उल्टी ही बनेंगी तो देखिए फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए अब हम यहाँ पर ये जो 22 फंदे हैं इसमें से 21 फंदे बना लेंगे हमने हर सीधी सिलाई पर यहाँ पर इस सीधे फंदे के साथ इधर से एक उल्टा लेकर दो का करना है एक फंदा इधर से भी एक सीधा और एक उल्टा इन दोनों को लेकर एक फंदा बनाना है तो दोनों साइड से हर सीधी सिलाई पर फंदे हमारे कम होते जाएंगे तो मैं ये इक्कीस फंदे उल्टे बुन लेती हूं तो ये देखिए इक्कीस फंदे मैंने बना लिए हैं अब ये उल्टा और ये सीधा धागा पीछे करेंगे दोनों फंदे को ऐसे हल्का सा लोज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के दो का एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे ये सीधा ये उल्टा बैक साइड से इन दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे तो देखिए एक इधर से कम हो गया एक इधर से हो गया आगे के हमारे 21 फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे आपने दोनों साइड से ये फंदे हर सीधी सिलाई पर ऐसे ही कम करते जाना है जब लास्ट में हमारे चार फंदे बचेंगे दो ये सीधे वाले एक उल्टा और एक यहाँ पर उल्टा तो ये चार फंदे रहने तक हम ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे और इन्हीं सिलाइयों को दोहराते जाएंगे तो मैं इसे बुन लेती हूँ जब तक इसमें ये चार फंदे नहीं बच जाते तो आप भी इसमें ऐसे ही फंदे घटाते हुए चार फंदे रहने तक बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक फंदा यहां से एक फंदा यहां से हर सीधी सिलाई पर घटाते हुए इसे हमने यहां तक बुन लिया यहाँ पर हमारे सिर्फ चार फंदे बच गए दो ये सीधे वाले एक यहाँ से उल्टा और एक यहां से उल्टा फिर जो हमारे चार फंदे बचे इनको सीधी साइड से भी उल्टा बुनना है और उल्टी साइड से भी आठ सिलाइयों में आपकी इस तरह की चार लाइनें आ जाएंगी एक दो तीन और ये चार आठ सिलाई बुनने के बाद नौवीं सिलाई पर चारों फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे और धागे को इस तरह से यहां तक लाकर टाइट करके काट देंगे अब ये जो हमने एक छोटी सी पट्टी बुनी है इसके ऊपर एक बटन लगाया जाएगा तो इधर का पार्ट कंप्लीट हो गया अब हम इस साइड का पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर पचास फंदे उठाए थे ऐसे ही यहाँ पर उठाएंगे देखिए इस साइड पर जो ये धागा है ये बुनने के काम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इस वाली साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे एक तो ये जो फंदे बाइंड ऑफ किए हैं इस वाली लाइन में से उठा लेंगे फिर आगे जितनी भी लाइने हैं सब में से एक, एक फंदा उठाएंगे तो हमारे पचास फंदे ऐसे ही आ जाएंगे फिर फंदे उठाने के बाद जैसे यहाँ पर दो सिलाई उल्टी उल्टी बुनी और तीसरी सिलाई सीधी साइड पर ये दोनों साइड से जो फंदे हमने घटाने शुरू किए हैं सेम इसी तरीके से फंदे घटाते हुए इस साइड के पार्ट को भी मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको आगे हम कैसे बुनेंगे फंदे घटाते हुए यहाँ तक बुन लिया ये हमारे पास छः फंदे बच गए हैं दो बीच के सीधे वाले दो इधर उल्टे हैं और दो इधर हैं। जब इस साइड पर हमने रखे तो चार फंदे से ये छोटी सी पट्टी बनाई है जिस पर हम बटन लगाएंगे लेकिन ये हम पांच फंदे की बनाएंगे तो पांच फंदे कैसे रखेंगे देखिए अभी हमारे पास छह हैं तो एक फंदा हम यहाँ से ऐसे उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा आगे से सिलाई डालेंगे और इन दो का एक करेंगे अब इधर से हम फंदा कम नहीं करेंगे इसको ऐसे ही सीधा बुन देंगे और ये जो दो फंदे उल्टे हैं इनको ऐसे बना देंगे तो ये हम पांच फंदे की पट्टी बनाएंगे आप चाहो तो छह फंदे की भी बना सकती हैं ये आपकी अपनी मर्जी है मैं पांच फंदे से बना रही हूँ तो अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको हम थोड़ा सा बुन लेंगे फिर इसमें हम बटन होल बनाएंगे और इस पट्टी में हम कम से कम तीन बटन होल बनाएंगे थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हुए ताकि जब बच्चे को पहनाएं और अगर पट्टी लूज हो जाए तो एक बटन होल छोड़ के दूसरे में इसे बंद कर सकें तो मैं इसमें थोड़ी सी सिलाइयाँ बुन लेती हूँ फिर आपको इसमें बटन होल बनाना भी बता देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस पट्टी को थोड़ा सा बुन लिया है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह लाइने आई हैं जो कि बाईस सिलाइयों में कंप्लीट हो गई है अब इसमें हम एक बटन होल पहले बना देंगे इसमें हम कम से कम तीन बटन होल तैयार करेंगे तो देखिए हमारे पास ये पांच फंदे हैं तो दो फंदे को बुनेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और इन दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे तो फंदा हमने बढ़ा दिया और दो का एक करके घटा दिया तो यहां पर एक जाली आ जाएगी जो कि बटन होल बन जाएगा तो फिर हम ऐसे ही इसमें कुछ सिलाइया बुनेंगे और फिर एक बटन होल ऐसे ही बना देंगे तो देखिए एक तो बन गया है तो छह से सात सिलाइया बनाएंगे फिर एक बटन होल बना देंगे फिर छः सात सिलाइयाँ बनाएंगे और एक बटन होल बना देंगे उसके बाद एक दो सिलाई बुन के और इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे तो पट्टी की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है तीन बटन होल बनाए हैं और ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा और बुन दिया है ताकि जब बटन बंद हो तो ये पट्टी यहां से ज्यादा ना खींचे अब ये जो धागा है इसको यहीं से कट नहीं करेंगे इसको एक दो बार इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे इसके बीच में से ऊन निकालेंगे टाइट करेंगे यहां तक लाकर इसको कट कर तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पट्टी तैयार हो गई है अब हम इसकी नेक बनाएंगे तो इस टाइम पे ये कैप हमारी दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी है तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने 25 फंदे से बनाया और ये जो इसकी लाइनें हैं इसकी हम यहां से लगभग तीन लाइनें छोड़ देंगे और यहां से यहां तक इसमें हम 21 फंदे उठाएंगे ये जो बीच का इसका 25 फंदे वाला पार्ट है इसमें हम तेईस से पच्चीस फंदे उठाएंगे फिर यहां से लेकर इधर की तीन लाइनें छोड़ देंगे तो 21 फंदे इस साइड से उठा लेंगे तो इसमें देखिएगा अब हम इस साइड से जो ये छोटी पट्टी है इस साइड से धागा ज्वाइंट करेंगे तो फंदे उठाने वाली जो लाइन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी तो यहां से इसकी एक दो और ये तीन लाइनें छोड़कर यहां पर मैं धागा ज्वाइंट कर लेती हूं तो ये देखिए यहां से मैंने ऊन को ज्वाइंट कर लिया है अब ये जितनी भी लाइने हैं इसमें से आपका एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप कोई और सिलाई ले लीजिए देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देती हूँ इसमें से फंदे उठाना एक एक लाइन में से ऐसे करके आप एक और सिलाई में ऐसे फंदे उठा लीजिए ये जो लाइनें होती हैं इसमें फंदे उठाना काफ़ी आसान होता है तो इनको ऐसे यहाँ तक उठा लेंगे तो हमारे इक्कीस फंदे हो जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से भी आप फंदे इसमें उठा सकते हैं तो ये काफी आसान तरीका है तो 21 फंदे हमने ये बना लिए हैं इस सिलाई में उठा लिए हैं अब इनको हम ऐसे बुन लेंगे इससे इस कैप में जो फिनिशिंग आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी तो मैं इनको इस सिलाई में एक बार बुन लेती हूँ तो ये देखिए यहाँ तक के 21 फंदे तो हमने इस तरीके से बना लिए हैं अब ये आ गया इसका बैक साइड का पार्ट तो धागे को इस तरह से हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ से हम ऐसे फंदे उठा लेंगे देखिए ऐसे इस तरीके से ये 25 फंदे का हमारा इतना पार्ट है तो 25 में से हम 23 24 या 25 इस तरीके से फंदे उठाएंगे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके बैक पार्ट में यहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ तेईस फंदे उठाए हैं तो आप भी इसमें तेईस चौबीस या पच्चीस इतने ही फंदे उठा लेना अब हमारा बच गया ये वाला पार्ट तो जैसे हमने यहाँ पर 21 फंदे उठाए थे तो इसके लिए भी हम ऐसे ही 21 फंदे उठा लेंगे एक दो और ये तीन लाइनें छोड़ के और हम सलाई में इस तरीके से ये फंदे उठाना शुरू करेंगे तो आप भी इनको ऐसे ही उठा लीजिए काफ़ी आसान होता है इसको ऐसे फंदे उठाना तो मैं ये फंदे उठा के फिर यहाँ से इनको यहाँ तक बुन लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 21, 23 और 21 टोटल हमारे पास ये 65 यानी यानि पैंसठ फंदे हो गए हैं अब इनको हम सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए इसमें हम आठ से दस सिलाइया बुनेंगे आप इसमें आठ सिलाइयाँ भी बुन सकती हैं और दस भी बुन सकती हैं तो मैं इसमें आठ से दस सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ फिर इसमें हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो आप भी इसी तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये नेक की पट्टी बना ली है आठ सिलाइयाँ बनाई और नौवीं सिलाई पर ये फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं तो आप इस तरह से लाइनें गिन लीजिए एक दो तीन और ये चार आठ सिलाइयों के बाद नौवीं सिलाई सीधी साइड पर फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो ये पांचवी लाइन आ जाएगी अब इसमें हम यहाँ पर पप बनाएंगे तो पप बनाने के लिए देखिए ये जो बीच के फंदे हैं ये पच्चीस फंदे थे तो इसमें हम तेईस से पच्चीस फंदे उठाएंगे फिर पांच फंदे इस साइड से लेंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच लाइनों में से पांच फंदे आ जाएंगे पांच ही फंदे हम इस साइड से लेंगे तो देखिए जो फंदे उठाने वाली लाइन आएगी वो अंदर की तरफ आनी चाहिए तो इस साइड से एक दो तीन चार और ये पांच पांच लाइनों के यहाँ से हम धागा जॉइंट कर लेंगे तो ये देखिए धागा हमने जॉइंट कर लिया है अब हम पांच फंदे इन पांच लाइनों में से लेंगे आपको मैं दो तरीके बता देती हूँ देखिए एक तो आप ऐसे कर सकती हैं इस तरह से एक और ये दो तीन चार और ये पांच लाइनों में से ऐसे पांच फंदे उठा लीजिए दूसरी सिलाई लेंगे और इनको बुन लेंगे एक होता है जैसे हम इस तरीके से सिलाई डालकर फंदा उठाते हैं ये ज़्यादा आसान होता है तो इन पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच। तो ये पांच फंदे हमने इस साइड से ले लिए हैं अब ये जो पच्चीस फंदे इस वाले पार्ट ये हैं इसमें से हम तेईस से पच्चीस फंदे उठा लेंगे तो देखिए इस तरह से इसके जो फंदे डालने वाली किनारी होती है ना फंदे यहाँ से बाइंड अप किए हैं इसमें से ही आपके आसानी से ऐसे एक एक करके फंदे उठ जाएंगे तो तेईस से पच्चीस फंदे आपने उठा लेने हैं पच्चीस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और तेईस से कम भी नहीं होने चाहिए तो ऐसे करते हुए अब मैं ये फंदे उठा लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 24 फंदे उठा लिए हैं तो 23, 24 या 25 इस तरीके से आप इसमें फंदे उठा लीजिए अब पांच फंदे हम इन पांच लाइनों में से लेंगे तो देखिए एक दो तीन चार और ये पांच तो इनमें से इस तरीके से ही हम फंदे डाल लेंगे एक दो और ये तीन चार और ये पांच अब इनको भी हम सीधा बना देंगे तो इस तरह से यहाँ फंदे उठाना काफी आसान हो जाता है तो अब हमने जो फंदे लिए हैं ये हमारे चौंतीस फंदे हो गए हैं उल्टी साइड से इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से इस सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ से दो फंदे का हम एक फंदा करेंगे तो यहाँ आप दो फंदे का एक फंदा करके एक फंदे को घटा दीजिएगा और लास्ट में भी हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे तो बीच के फंदों को सीधा बुनते जाएंगे और यहाँ लास्ट में दो का एक कर देंगे तो दोनों साइड से एक एक फंदा हमारा कम हो जाएगा तो ये यह देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को सीधा बुन लिया है और ये लास्ट के दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे उल्टी साइड की सिलाई को अब पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे उल्टी साइड की सिलाई को हमने बुन लिया है फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं यहाँ से फिर से हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे देखिए दो का एक करेंगे और लास्ट में दो फंदे रहने तक सबाकी के सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे तो ये देखिए अब लास्ट में यहाँ दो फंदे बचे हैं इन दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे अब उल्टी साइड पर जो हमारी सिलाई आई है इसे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे फिर नेक्स्ट ने बार की सिलाई सीधी साइड पर आएगी तो फिर से हम एक फंदा यहाँ से दो का एक करके कम कर देंगे और एक फंदा यहां से दो का एक करके घटा देंगे तो ये देखिए तीन बार हमने फंदा इस साइड से कम कर लिया है और तीन बार इस साइड से दो बार इस साइड से कम करेंगे और दो बार इस साइड से और कम करेंगे तो दोनों साइड से हमारे पांच पांच फंदे कम हो जाएंगे तो चौंतीस में से हमारे पास यहाँ सिर्फ चौबीस फंदे बच जाएंगे तो दो बार इधर से और दो बार इधर से मैं फंदे कम करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स पांच फंदे हमने इस साइड से कम किए हैं और पांच ही फंदे इस साइड से कम किए हैं तो अब हमारे पास ये चौबीस फंदे हैं इनको अब हम सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे अब ये एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से जब हम इसकी उल्टी बुन देंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमारी ये एक लाइन आ जाएगी तो मैं ये दो सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए दो सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बना ली जिससे मेरे पास ये एक लाइन आ गई तो अब पांच फंदे हमने इस साइड से कम किए हैं और पांच फंदे इस साइड से कम किए हैं तो पांच ही फंदे इस साइड से बढ़ाने हैं और पांच ही फंदे इस साइड से तो देखिए इस साइड का जो फंदा बढ़ाएंगे वो हम इस साइड की उल्टी साइड से बढ़ाएंगे और यहाँ का जो फंदा बढ़ेगा वो सीधी साइड से तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे ये एक लाइन आने के बाद यहाँ से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे तो इधर से एक फंदा हो गया अब सिलाई हमने सीधी बुननी है और लास्ट में भी हम एक फंदा ऐसे ही यहाँ से उठा देंगे तो ये देखिए सिलाई को हमने पूरा सीधा बना लिया है अब यहाँ से ऐसे सिलाई को डालेंगे और एक फंदा यहाँ से हम उठा लेंगे तो दोनों साइड से एक एक फंदा हो गया अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे तो सिलाई को हमने बुन लिया है अब देख लीजिए इतने ही पार्ट में हमने पांच फंदे बुने हैं तो आप अपना बराबर का कैप रखिएगा और ऐसे सिलाई डाल लेंगे यहाँ से हम दूसरा फंदा ये उठा देंगे तो इधर से दो फंदे हो गए हैं अब इस सिलाई को हम सीधा बुनेंगे और यहाँ से भी एक फंदा फिर हम उठाएंगे तो देख लीजिए सिलाई को सीधा बुनने के बाद यहाँ से हम इस तरह से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा यहाँ से उठा देंगे तो दोनों साइड से दो दो फंदे आ गए हैं तीन फंदे इधर से और तीन फंदे यहाँ तक आपने ऐसे बराबर का गैप रख लेना है पाँच पाँच फंदे घटाए तो पाँच पाँच ही फंदे उठाने हैं दो दो हो गए हैं तीन तीन हम और उठा लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दोनों साइड से मैंने इसमें पांच-पांच फंदे उठा लिए हैं तो इस तरह से इसका ये पब बन गया है अब यहाँ पर भी हमने फंदे उठाने के बाद एक सिलाई बनाई थी तो ये फंदे पूरे होने के बाद फिर से हम एक सिलाई ये सीधी साइड की बना लेंगे आप चाहो तो यहाँ पर दो सिलाई भी बुन सकती हैं जो कि नीचे से इसमें सिलाई में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी तो मैं सिर्फ ये एक सिलाई सीधी साइड की बुन कर उल्टी साइड से ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी तो इस तरह से इनको सीधा सीधा बुन लेते हैं फिर सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे तो ये देखिए फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ से लंबा सा धागा रख के इसे हमने सुई में डाल लिया है अब देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे मिला लीजिए और यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको सील देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही सुंदर सा कैप का पख बन के तैयार हो गया है और जो कैप की शेप आएगी देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एक बटन भी लगा दिया है तो यहाँ पर आप कोई भी बटन लगा दीजिए आप चाहो तो इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ भी बना सकती हैं लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए इसी तरह की पट्टी बनाती हूँ ताकि नीचे नोट ना लगानी पड़े और बच्चों को चुभे ना तो इस तरह से आप बना लीजिए या लंबी दो पट्टी बनाइए तो ये आ गई है कैप की शेप तो देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बन के तैयार हो गई है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कैप पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू